मुहा शाहरुख के फैंस का इंतजार। करीब 4 साल के बाद शाहरुख की फिल्म बड़े पर्दे पे आई। विवादों में घिरी फिल्म पठान की शानदार ओपनिंग हुई। पटना में फिल्म पठान को लेकर फैंस में खासा उत्साह। केक काटकर फैंस ने सेलिब्रेट किया। महाराष्ट्र के पुणे में फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है फिल्म पठान का जादू। शाहरुख के प्रशंसकों ने जमकर आतिशबाजी की। कोलकाता में थिएटर के बाहर लगी दर्शकों की लंबी कतार। फिल्म को लेकर फैंस में गजब का उत्साह। मुंबई में बॉलीवुड हस्तियों के लिए फिल्म पठान के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसे देखने के लिए कई सितारे पहुंचे। दिल्ली सरकार की ओर से छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। देश में दिल्ली सबसे ज्यादा ई वाहन चलाने वाला शहर बन गया है। इस मौके पर केजरीवाल ने इशारों में एलजी पर निशाना भी साधा। क्या गवर्नर पूछ सकते हैं सरकार से क्यों बुलाना चाहते हो? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जी इसलिए बुलाना चाहते हैं। गवर्नर कहता है मेरे को ये कारण मंजूर नहीं है, सत्र नहीं बुलाया जाएगा। ये जनतंत्र नहीं है, ये तो जनतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरह से एक व्यक्ति विशेष के अंदर। गणतंत्र दिवस पर पुलिस के 901 जवानों को पुलिस पदक, 140 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुरस्कार मिलेंगे। विशिष्ट सेवा के लिए 93 और मेधावी सेवा के लिए 668 जवानों को सम्मानित किया गया। 26 जनवरी को दिए जाएंगे पुरस्कार। 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए देश भी तैयार। दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे होगा संबोधन। आज होगा पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों का ऐलान। गृह मंत्रालय घोषणा करेगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। मिस्र के राष्ट्रपति हैं गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि। मिस्र और भारत के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा सख्त। दिल्ली पुलिस के 6000 से ज्यादा जवान कर्तव्य पथ पर तैनात। दिल्ली क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स मौजूद। सीसीटीवी के साथ एंटी ड्रोन्स भी लगाए गए। आज रात 9 बजे से दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक। राज्य के बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा सख्त। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब में सीमा के पास वाले इलाकों में सुरक्षा का कड़ा घेरा। बीएसएफ और पुलिस के जवानों की नाकेबंदी। अमृतसर में सीमा के पास वाले इलाकों में चेकिंग अभियान। भारी संख्या में पुलिस और बीएसएफ के जवानों की तैनाती। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो का दावा, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने वाला था। पोम्पेयो ने अपनी नई किताब में जिक्र किया, पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जवाब में पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला था। पोम्पेयो के मुताबिक उन्होंने ये बात तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बताई थी, जिसके जवाब में सुषमा ने कहा था भारत भी पलटवार की तैयारी कर रहा है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में सियासी तूफान। इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी हुए गिरफ्तार। भारत ने एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान को भेजा न्योता। 2023 में होने वाले एससीओ समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। जम्मू कश्मीर से गुजर रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आज बनिहाल में है राहुल गांधी। संवेदनशील इलाका माना जाता है बनिहाल। यात्रा को लेकर जबरदस्त सुरक्षा। खराब मौसम की वजह से रद्द की गई यात्रा। बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी। 27 जनवरी सुबह 8 बजे फिर शुरू होगी यात्रा। जयराम रमेश ने जानकारी दी है। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का ऐलान, सरकार में आए तो होगी राज्य के दर्जे की बहाली।
लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, अंतरिम जमानत। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन, गायक कैलाश खेर ने अपने गानों से समा बांधा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन को शानदार लाइटों से सजाया गया, लाइट्स के जरिए राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाने की कोशिश। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आज संत सम्मेलन, सनातन धर्म से जुड़े समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श। चेन्नई में राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता की शुरुआत, तमिलनाडु के खेल मंत्री ने उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल जैसे कई खेलों के मुकाबले, राज्य के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हिंदू राष्ट्र चलाने वाले बयान के बाद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने की रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की अपील, बोले जातिवाद से ऊपर उठकर अभी सभी हिंदू एकजुट हो गए हैं। बाबा के समर्थन में हिंदू महासभा संत समाज ने बाबा को ढोंगी कहने वालों को अज्ञानी बताया। प्रयागराज के माघ मेले में भी संतों ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया, विरोध करने वालों पर सवाल खड़े किए। पटना सिटी में पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, महिलाओं को भी नहीं बख्शा, कई महिलाएं जख्मी हुई। पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, स्थानीय दुकानदारों का आरोप, पुलिस करती है अवैध वसूली, पैसे नहीं देने पे शराब मामले में फंसाने की धमकी देती है। मुंबई में राजभवन में मराठी संगीत नाटक मधुराव बोरोते ब्लॉक का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। काठमांडू में भारत नेपाल स्टार्टअप कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में भारत नेपाल राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। बिहार के बेगूसराय में बेटी के जन्म पर मनाई गई खुशी, पिता ने ई रिक्शा को दुल्हन की तरह सजाया, मोहल्ले में बांटी मिठाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आजादी के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अब पहुंचेगी सड़क, शुरू हुआ सड़क निर्माण का काम। मुंबई से आई खुशी की बड़ी खबर, 34 महीने बाद पहली बार कोरोना का एक भी केस नहीं मिला। अंबाला में गणतंत्र दिवस से पहले की गई फुल ड्रेस रिहर्सल, झूमते नजर आए लोग। कर्नाटक के हुबली में प्लैटिनम जुबली समारोह का आगाज, 28 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अमरावती में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन ने किताब एग्जाम वॉरियर्स के तेलुगु संस्करण का विमोचन किया, प्रधानमंत्री मोदी ने ये किताब लिखी है। गुवाहाटी में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले बड़ी तिरंगों की डिमांड, भारी संख्या में लोग खरीद रहे तिरंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर लखनऊ में तैयारियां तेज, तिरंगामय नजर आया विधानसभा भवन। गुजरात के सूरत में लोन मेला का आयोजन, मेले में भारी संख्या में उमड़ी भीड़। आईआईटी मद्रास में G20 को लेकर एंगेजिंग यंग माइंड्स कार्यक्रम का आयोजन, छात्रों को किया जा रहा है जागरूक। हैदराबाद में मीडिया फेयर समारोह का आयोजन, बीआरएस एमएलसी कविता ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। कोटा में कृषि महोत्सव का आयोजन, किसानों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने दत्तात्रेय मंदिर का दौरा किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल, जवानों का जोश दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से जवानों के कदमताल की तस्वीरें सामने आई, माइनस तापमान में भी जवानों का जज्बा खत्म कम नहीं हुआ। घाटी में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों का अफसरों ने जायजा लिया, तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस को लेकर स्कूली बच्चों ने भी कार्यक्रम रिहर्सल की, देशभक्ति और लोकगीतों पर बच्चों ने शानदार डांस से समा बांध दिया। Oh,
जम्मू कश्मीर में क्लॉक टावर्स को भी तिरंगे वाली एलईडी से सजाया गया। चारों तरफ दिखा भव्य और मनमोहक नजारा। हल्द्वानी जेल से गणतंत्र दिवस के दिन रिहा होंगे 7 बंदी। अच्छे आचरण और स्वभाव को लेकर सरकार ने रिहा करने का फैसला किया। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप में उपद्वीप का नाम रखे जाने से लोगों में खुशी। भारत माता की जयकारे से गूंजा योगेंद्र का गांव। उर्स के मौके पर बरौनी से अजमेर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। नॉर्थ बिहार के यात्रियों को मिलेगा फायदा। संगमेश्वर यात्रा के अवसर पर महाराष्ट्र के सांगली में रिवर्स रिक्शा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए चादर भेजी। देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला कर्मी बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी का हिस्सा भी देखा जाएगा। ये नजारा भव्य होगा। ग्वालियर में मध्य भारत खादी संघ ने शानदार काम किया। गणतंत्र दिवस से पहले 50 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी 27 जनवरी को बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ छठी बार परीक्षा पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा का आयोजन। छात्रों में भारी उत्साह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने औपचारिक घंटी बजाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। अधिकारियों को कई निर्देश दिए। गोपालगंज में शराब तस्कर के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। शराब माफिया के साथ 9 तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में उत्तर प्रदेश दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बॉलीवुड सिंगर देंगे प्रस्तुति। 3 दिन तक चलेगा सेलिब्रेशन। गोरखपुर में एयरफोर्स का नो योर फोर्सेस कार्यक्रम का आयोजन। जवानों ने आसमान में पैराग्लाइडिंग के दौरान तिरंगे की आकृति बनाई। जैसलमेर में 65 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ का आयोजन। धावकों की जगह किया गया जबरदस्त धावकों का जगह जगह जबरदस्त स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में साधारण परिवार की बेटी ने कमाल कर दिया। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एग्जाम और यूपीएस सेंटर एग्जाम में सफलता पाली। पुलवामा में पृथ्वी के निवासियों के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। काफी संख्या में लोग अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने पहुंचे।